इसका डी देखो, थ्री का डी नंबर। एक ऐसे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मालूम कीजिए जिसके आधार की परिधि और ऊंचाई दी गई हो। आधार की परिधि और ऊंचाई दी गई हो तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, देखो बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है आपके पास 88 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि आपका 2πr ही ना वृत्ताकार होता है, और हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पीछे से ऊंचाई दिया है आपके क्वेश्चन में, ऊंचाई जो है वो भी लिख देता हूं मैं, ऊंचाई जो है, ऊंचाई वह कितना दिया हुआ है, ऊंचाई वह 5 सेंटीमीटर दिया है। तो बेलन के, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना जी, तो इसका 2πrh फॉर्मूला होता है, 2πr और गुना में h, यानी कि 88, 2πr का मान 88 और गुना में 5, 88 गुना में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसमें गुना कर देते हैं, तो गुना कर दो 88 में 5 से, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आधार की परिधि में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमें आयतन निकालना था तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करने पे आ जा रहा था, पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखे थे। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर